आप देख रहे हैं कंचन टीवी, आपकी आवाज। देश भर में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर बेड्स और कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा में भी यही हाल चल रहा है। हाल ही में रेवाड़ी में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की मृत्यु भी हो गई। आलम यह है कि निजी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना के मरीजों को एडमिट करने में झिझक रहे हैं। इसी के मद्देनज़र हमारी टीम ने अम्बाला जिले के सबसे बड़े निजी अस्पताल पार्क हीलिंग टच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। पार्क हीलिंग टच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आरएन अग्रवाल ने बताया कि ऑक्सीजन को लेकर जिला प्रशासन ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि वह हमें डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे, लेकिन इस स्थिति में लगातार यह डर बना रहता है कि क्या हम अतिरिक्त कोरोना मरीजों को एडमिट करें या नहीं। ऑक्सीजन का जो मौजूदा हालात है, जितने मरीज मेरे पास आज इस हॉस्पिटल में है उनकी देखभाल करने के लिए कम से कम 2 दिन का स्टॉक मेरे पास है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है, संभावना दी है, जो डीसी ने भी और सीएमओ ने भी, कि रेगुलर सप्लाई जो 1 दिन की खपत है कम से कम उतना सप्लाई हमें रेगुलर बेसिस पे देते हैं। हमारे हॉस्पिटल को 50 बेड के लिए नियमित किया गया है, उसमें से 20 बेड आईसीयू के हैं और 30 बेड ऑक्सीजन सप्लाई वाले हैं, और मेरे पास आज की डेट में पूरे 50 के 50 बेड भरे हुए हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट के लिए, जिसमें से 9 पेशेंट वेंटिलेटर्स पे हैं और करीब 35 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, इन और बाकी पेशेंट्स जो कोविड के अलावा है इस हॉस्पिटल में, उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लेते हुए कम से कम 1.5 टन ऑक्सीजन मेरे को पर डे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए एश्योरेंस डीसी ने दिया है। सर, ये बताएं कि गर्भवती महिलाओं के भी, जो बच्चे हैं उनको, महिलाएं हैं, उनके भी कोरोना पॉजिटिव होने के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो अब तक जो है आपके अस्पताल से कितने ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं? फर्स्ट वेव में देखा गया था कि जनरली 40 साल से ऊपर वाले और वो भी कोमॉर्बिडिटीज वाले मरीज ज़्यादा देखने को मिलते थे, पर अभी वेरिएंट आने से यह यंगर पॉपुलेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। आज की डेट में यंग लोग अफेक्ट हो रहे हैं, बिना बीमारी के अफेक्ट हो रहे हैं, इवन छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं भी हो रही हैं। इस हॉस्पिटल में भी बहुत सी क्वेरियाँ आती हैं बच्चों को लेकर और गर्भवती महिलाओं को लेकर। आज की डेट में रेमडेसिविर जो है, जो 22 तारीख को गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं सीएमओ ऑफिस के थ्रू, उसके अनुसार सिर्फ मॉडरेट और सीवियर केसेस में ही रेमडेसिविर को देने की सलाह है, और जिसमें 6 इंजेक्शन दिए जाते हैं, 2 पहले दिन और 4 दिन एक एक करके, और इस इंजेक्शन की कॉस्ट मार्केट रेट जो MRP लिखा है वो 4800 रुपीज़ है, पर आज की डेट में कालाबाजारी करने के लिए लोगों ने कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स, जो कि इस माहौल में भी अपना फ़ायदा सोचते हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, इवन 8 से 10 हज़ार तक भी देखने को मिलता है। इस सबको देखते हुए CMO ऑफिस ने अभी निर्णय लिया है कि ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू सभी पेशेंट, चाहे वो सिविल के हैं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल में हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, उनको केस टू केस बेसिस पूरी डिटेल्स लेके एक कमेटी द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा और ये डोज उनके थ्रू मिलेंगे। और एक्टेम्ब्रा के लिए, जिसको हम टोसिलीफुमैब भी कहते हैं, दोनों मेडिसिन रेमडेसिविर और टोसी इफाई से, या एक्टेम्ब्रा इफाई से, दूसरी मेडिसिन जो बहुत कॉस्टली है और हर एक केस के लिए ना ही इसका कोई ट्रायल रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि यस, कि ये देने से बहुत ही फायदा होगा, इसलिए ये बहुत कम केसों में, बहुत सिलेक्शन के बाद सीवियर केसों में, जब सब बाकी सारी मेडिसिन फेल हो जाए तब देने के लिए सलाह दी जाती है।